तर वसई विरारसहच ठाणे शहराला देखील पावसाने झोडपून काढलेले आहे आणि यामुळे घोडबंदर रोडवर पाणी साचले असून वाहतूक सध्या धीम्या गतीने सुरू आहे। ठाण्यातील ही काही दृश्य आपण पाहतोय। ठाण्याच्या घोडबंदर रोडवर पाणी साचलेले पाहायला मिळते। ठाणे शहराला देखील पावसाने झोडपून काढलेले आहे आणि यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंह थेट आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। दिवाकर, ठाणे शहरात देखील जोरदार पाऊस बरसतोय आणि घोडबंदर रोडवर पाणी साचल्याची काही दृश्य देखील समोर आलेली आहेत, काय सद्यस्थिती आहे? देखिए, काफी भयानक स्थिति इस वक्त मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें के जरिए अगर समझाऊं तो ये भी देखिए, जो घोडबंदर का ब्रिज है, जो मुंबई से पालघर आते हुए जो ब्रिज उतरता है पालघर की तरफ, वहां की स्थिति देखिए कितनी भयानक परिस्थिति है। पूरा पानी ये हाईवे की तरफ भरा हुआ है और पानी भरने के साथ साथ जो मुंबई से पालघर की तरफ जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो गाड़ियां हैं बिल्कुल भी यहां पर रेंग नहीं रही हैं, बिल्कुल भी चल नहीं रही हैं, थमी हुई हैं, क्योंकि जबरदस्त ट्रैफिक पालघर से मुंबई जाने के लिए और मुंबई से पालघर जाने के लिए दोनों तरफ जो है जबरदस्त ट्रैफिक आप देख सकती हैं। पूरा ब्रिज 3 से 4 किलोमीटर तक पूरा ये ब्रिज जाम है, लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है और साथ ही साथ क्योंकि जबरदस्त पानी भरा हुआ है इस पूरे हिस्से में, जो ये घोडबंदर का इलाका है, भाईंदर के इलाके में पूरा हिस्सा आता है, वहां पर ये पानी भरा हुआ है। जबरदस्त तेज बारिश यहां पर भी लगातार जारी है, बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए लगातार जो पानी है वो उसका स्तर जो है वो लगातार अब रोड की तरफ चढ़ रहा है। यानी अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो फिर जो रोड का हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है, वो भी पानी के नीचे आ जाएगा। दूसरी तरफ इतना पानी भरा हुआ है कि जो होटल है आसपास के हाईवे के, वो पूरी तरह से यहां पर देखिए वहां पर भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो रास्ता होटल की तरफ जाता है वो पूरा जो इंतजार कर रहे हैं कि पानी कब निकले, लेकिन जो पहाड़ों के जरिए पानी आ रहा है, जो बारिश तेज हो रही है उसके चलते ये पूरी स्थिति यहां पर पैदा हुई है। बेहद ही भयावह स्थिति आप कह सकती है, बेहद ही भयावह परिस्थिति यहां पर इस वक्त पैदा हुई है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा, क्योंकि जब आप मुंबई से आते हैं पालघर के लिए जाते हैं तो घोडबंदर का ब्रिज उतरते ही ये स्थिति बनी हुई है। और सबसे अहम बात कि यहां पर ट्रैफिक का कोई भी कॉन्स्टेबल या अधिकारी मौजूद नहीं है, या फिर हाईवे का कोई ऐसा कर्मचारी मौजूद नहीं है जो यहाँ पर स्थिति को क्लियर करा पाए। एकंदरीतच या मार्गावरून मुंबईच्या दिशेने जाणारे बरेच चाकरमानी देखील असतात, नागरिक असतात, आणि त्यामुळे या पावसाचा मोठ्या प्रमाणात फटका या नागरिकांना बसताना देखील पाहायला मिळतोय। मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेलं आहे। दिवाकर, वेळोवेळी अपडेट घेत राहू, तुर्तास धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी। तिकडे रायगड जिल्ह्यामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाचा जोर कायम आहे। मुसळधार पावसामुळे सावित्री नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे। सावित्री नदीचं पाणी तब्बल 6.5 मीटर उंचीवरून वाहत आहे आणि त्यामुळे महाड शहरातील सखल भागात पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली आहे। याशिवाय कर्जत खालापूर परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे पाताळगंगा नदीनं देखील धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। आपटा रसायनी परिसरात नदीचं पाणी सखल भागात शिरण्यास सुरुवात झाली आहे आणि त्यामुळे आपटा परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। रायगड मधली ही काही दृश्य आपण पाहतोय। आपटा परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस बरसतोय आणि त्यामुळे हा परिसर संपूर्ण जलमय झालेला पाहायला मिळतोय। रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील जगबुडी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर नदीकाठचे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेलेले आहेत। खेडमधील खाडीपट्टा विभागाला जोडणारा खेळ देवणे सुसरी मार्ग हा पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्यामुळे तब्बल 20 गावांचा संपर्क तुटलाय। झाडीपट्टा विभागातील या 20 गावांना जाण्यासाठी एकही मार्ग आता नाहीये आणि त्यामुळे या गावांचा संपर्क तुटलाय। असाच पाऊस कायम राहिला तर खिडक्या शहरात पुराचं पाणी भरण्याची शक्यता वर्तवली जाते। रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील